हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम यहाँ पर आपके मेरिट रैंक के नज़दीक आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग। तो आज के ये वाले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट्स निकाले हैं कि जिसके अंदर यहाँ पर चॉइस फिलिंग के आप सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो कवर कर पाओगे और किस तरह से आप अच्छे से अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाओगे। तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मेरिट रैंक के बारे में एक मिनट के अंदर। तो मेरिट रैंक की डेट यहाँ पर एज ऑफ नाउ 7 जून डिसाइड की गई है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ये 6 जून को भी आने के चांसेस है। बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अभी आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशंस बताए हैं, वेबसाइट्स बताए हैं कि जिसके अंदर आप यहाँ पर आपका मेरिट रैंक अभी से यहाँ पर चेक कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाया है कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पर दर्शन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की मदद से किस तरह से आप यहाँ पर मेरिट रैंक प्रिडिक्शन निकाल सकते हो वो मैंने वहाँ पर समझाया था। तो आई रिक्वेस्ट कि वो वाला वीडियो एक बार ज़रूर से देखिएगा। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कवरिंग ऑल दी पॉइंट्स वन बाई वन। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पर पॉइंट रहेगा कि मेक श्योर करना कि आपका फॉरेन एग्जांपल जो भी यहाँ पर मेरिट रैंक हो ना, वो यहाँ पर एक रेंज यहाँ पर निकाल के रख देना। रेंज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया है कि मान लीजिए कि आपका रैंक 1000 है, तो आप 500 से लेके 1900 में आने वाली सारी कॉलेज यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगर आपका मेरिट रैंक 5000 है तो आप यहाँ पर 2900 से स्टार्ट कीजिए और 7800 तक आने वाली सारी कॉलेज को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगर लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर मेरिट रैंक 10000 है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए 6500 से लेके 16900 के बीच में आने वाली सारी कॉलेज को कवर कर लीजिए। तो दोस्तों, मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर इस तरह की रेंज आप यहाँ पर कर लीजिए और मेक श्योर करना कि आपका जो रेंज है, आपका जो यहाँ पर मेरिट रैंक है, वो यहाँ पर कॉलेज के कट ऑफ से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि आपका मेरिट रैंक 2000 है, तो मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट यहाँ पर 2000 से ज़्यादा कट ऑफ वाली कॉलेज को ऐड ज़रूर से करना। तभी यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पर रिजल्ट के अंदर आपको कोई कॉलेज के अंदर अलोकेशन होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई भी अलोकेशन नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपका जो मेरिट रैंक है वो यहाँ पर कॉलेज के कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर ही होने चाहिए। तो ये यहाँ पर मेक श्योर ज़रूर से करना, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर मैं ये कवर करना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 15 से लेकर 20 नंबर ऑफ चॉइसेस ऐड करनी है आपके चॉइस फिलिंग के लिस्ट के अंदर। यानी कि यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ 5-7 चॉइस फिलिंग करके आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग यू आर नॉट अलॉटेड एनी चॉइसेस एनी अलोकेशन इन दी कॉलेज, प्लीज फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग इन दी राउंड नंबर 1। ऐसी कॉलेज ऐसी एरर मैंने पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने सॉल्व करके दी थी। तो यहाँ पर जनरल मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट कि जब भी चॉइस फिलिंग करनी आती है तब वो यहाँ पर काफ़ी कम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करते हैं और इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से यहाँ पर एट दी एंड ऑफ रिजल्ट डे यहाँ पर स्टूडेंट को चॉइसेस अलॉट नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग यहाँ पर ऐड करो ताकि यहाँ पर जो कॉलेज अलोकेशन नहीं हो, कॉलेज अलोकेशन ना हो, ये चांस ही ना रहे। तो इसलिए मेक श्योर करना कि आप यहाँ पर मिनिमम 50 से लेकर 20 नंबर ऑफ चॉइसेस ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगा TFWS का। तो दोस्तों, TFWS में मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपने 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉलेज फाइनल की है। फॉर एन एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद कि यहाँ पर आपने पहले GEC गांधीनगर, देन GEC मोड़ासा, GEC राजकोट, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, GEH पटेल, इस तरह से यहाँ पर आपने इंडिविजुअल कॉलेज को फिल्टर करके रख दिया है, सॉर्ट आउट करके रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी कॉलेज निकाली है ना उसकी यहाँ पर TFWS की सीट पहले ऐड करनी है और उसके बाद नॉर्मल सीट ऐड करनी है। यानी कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से लिस्ट बनाई थी ना, तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर सकते हो, पहले आप यहाँ पर GEC गांधीनगर की TFWS सीट को ऐड कीजिए।
जी सी गांधीनगर की TFSS की सीट ऐड करने के बाद यहाँ पर आप जी सी गांधीनगर की फीस वाली जो सीट है उसको ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जी सी भुज या फिर मोड़ासर जो भी आपने सिलेक्ट किया था उसके यहाँ पर TFSS की सीट सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जी सी भुज या फिर मोड़ासर जो भी सिलेक्ट आपने किया था उसकी फीस वाली सीट ऐड कीजिए। इन शॉर्ट यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है ये वाले पॉइंट से कि मेक श्योर करना कि सबसे पहले आप TFSS की सीट को इंक्लूड करो और उसके बाद नॉर्मल फीस वाली सीट ऐड करो, तो ये पॉइंट जरूर से आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगा, ऐड मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। दोस्तों यहाँ पर ACPC ने कभी नहीं बोला है कि सिर्फ 10 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कीजिए, सिर्फ 15 नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कीजिए। ACPC भी यहाँ पर सामने से यही बोलता है कि यू कैन डू मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग, यानी कि आपको भी ACPC मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करने की ही सलाह देता है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करनी है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल ऊपर का 2000 का ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 2000 निकला है। अगर आप इसके अंदर यहाँ पर DAACT पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे निर्मा यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे DDU, चौथे नंबर पे LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिफ्थ नंबर पे आप VGEC, सिक्स्थ पे MSU, सेवन्थ पे BVM इतनी चॉइस फिलिंग करके आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको चॉइस अलॉट नहीं होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि मैंने इससे पहले भी पॉइंट कवर कर लिया है कि यहाँ पर आपका कट ऑफ, आपका मेरिट रैंक 2000 है ना, तो मेक श्योर करना कि जो भी कॉलेज आप ऐड कर रहे हो ना उसकी कॉलेज का कट ऑफ 2000 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको अलोकेशन मिलेगा, तभी आपको सीट असाइन होगी, अदरवाइज आपको सीट असाइन नहीं होगी। तो दैट्स वाई मेक श्योर करना कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग ऐड करो और इसके अंदर यहाँ पर कॉलेज का कट ऑफ है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके मेरिट रैंक से, तो इसीलिए यहाँ पर आपको चॉइसेस ऐड होगी। वरना मैंने यहाँ पर 2000 में जिस तरह से आपको लिस्ट बना के दी थी, जैसे कि DAACT, निर्मा और BVM तक, ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर रिजल्ट के दिन ऐसा ही लिख के आएगा कि बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग यू आर नॉट अलॉटेड विथ एनी कॉलेजेस, प्लीज ऐड मोर नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग इन दी राउंड नंबर वन। तो ऐसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पिछले साल के केस में हुआ भी था और इस साल भी डेफिनेटली होगा, तो मेक श्योर करना कि यू आर एडिंग दी मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। लास्ट के पॉइंट के ऊपर आए तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो सोच विचार कीजिए, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च कीजिए और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज को चॉइस फिलिंग की लिस्ट में ऐड कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको अगर कॉलेज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर चांस लेने के लिए कॉलेज को ऐड बिल्कुल मत करना। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, और मुझे यहाँ पर प्रायोरिटी में जाना है अहमदाबाद तक, मुझे यहाँ पर ना ही तो वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा और ना ही तो सूरत तक जाना है, तो फिर यहाँ पर कॉलेज को ऐड ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल राउंड नंबर वन के अंदर आपने यहाँ पर MSU को इंक्लूड कर दिया है। बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर राउंड नंबर वन में आपको MSU के अंदर ही सीट अलॉट हो जाए, तो क्योंकि आप तो पहले से ही यहाँ पर अहमदाबाद जाने के मूड में थे, आपको वडोदरा तक नहीं जाना था, तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इतनी ही चॉइसेस ऐड करना कि जिसके अंदर आपको जाने की 100% गारंटी हो, जाने की 100% यहाँ पर इच्छा हो, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर वो सारी चॉइसेस ऐड मत करना। इन शॉर्ट यहाँ पर आप वो सारी कॉलेज को ऐड करना इस तरह से सोच लेना कि आपने 10 नंबर ऑफ कॉलेज निकाली है, तो 10 के 10 में मान लीजिए कि कोई भी रैंडम कॉलेज में एडमिशन मिले ना, बट आप हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तभी यहाँ पर आप चॉइसेस ऐड करना। 10 में से एक कॉलेज ऐसी होगी जिसके अंदर आपको जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो, बट फिर भी आप मजबूरी से यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि राउंड नंबर वन के बाद मान लीजिए कि आपको उसमें यहाँ पर एडमिशन के लिए सीट मिल जाती है, तो फिर उसके बाद 4 साल आपके बिगड़ेंगे, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मेक श्योर करना कि आपको जो भी कॉलेज में जाने की इच्छा हो वही आप चॉइस फिलिंग में ऐड करो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, बाय बाय।